साइंस और टेक्नोलॉजी की बिल्कुल ही नई दुनिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको कम बजट में आने वाली छोटी से लेकर बड़ी बड़ी ऐसी एडवांस मशीनें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी यही बोलेंगे, क्या बात है। दोस्तों, हम दावे के साथ कह सकते हैं आज जो शानदार मशीनें हम आपको दिखाएंगे वो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, इसलिए प्लीज हमारे इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाई है। चलिए शुरू करते हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। राइस रिपर बाइंडर मशीन। दोस्तों, चावल की खेती करना जितना मुश्किल काम होता है उतना ही मुश्किल काम होता है उसकी कटाई करना, लेकिन ये एडवांस मशीन इस काम को बेहद आसानी से कर देती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही कम बजट में आने वाली इलेक्ट्रिक मशीन है। इस मशीन को सिंपली इसके हैंडल्स को हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, जिसके बाद ये मशीन बड़ी तेजी के साथ चावल के पौधों को काटकर उनका बंडल बनाकर साइड में पटकते जाती है। फ्रूट्स हार्वेस्टर। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से फलों को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इस मशीन को पेड़ों के पास से चलाया जाता है, जिसके बाद इस मशीन में लगे ऑटोमेटिक हैंड्स पेड़ के तनों को पकड़ पकड़ कर जोरदार वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से पेड़ों पर लगे सारे फल नीचे गिरते जाते हैं। दोस्तों, इस मशीन की बनावट ऐसी होती है कि सारे फल पेड़ों से गिरकर मशीन में जमा होते हैं, जिसके बाद मशीन में लगे कन्वेयर सिस्टम की मदद से इन फलों को कंटेनर तक पहुंचा दिया जाता है। पावर आर्म मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ पौधों को शेप देने के लिए किया जाता है। जब इस मशीन के आर्म को पेड़ के ऊपर चलाया जाता है तो इसमें लगी ब्लेड्स पेड़ों की पत्तियों को काटती चली जाती है। इस मशीन की ब्लेड्स काफी तेज होती है, जिसकी वजह से ये मशीन पौधों को काफी तेजी के साथ शेप देती है। और इस मशीन में एक वैक्यूम पाइप भी लगी होती है, जो मशीन से काटी गई पत्तियों को पीछे कंटेनर में खींच दी जाती है। पोटैटो डिगर। दोस्तों, कम बजट में आने वाली इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से आलू निकालने के लिए किया जाता है। ट्रैक्टर की मदद से चलने वाली इस मशीन के आगे की तरफ लगे हुए ब्लेड्स जमीन खोदने का काम करते हैं। इसके बाद मशीन में लगा जालीदार रोटेटिंग सिस्टम आलू और मिट्टी को अलग करके जमीन पर पटकते जाता है। ग्रास कटिंग मशीन। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से घास की कटाई करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में बड़े बड़े रोटेटिंग व्हील्स लगे होते हैं, जिसमें लगे कई सारे कटर बड़े बड़े खेतों का सफाया चुटकियों में कर देते हैं, और ये मशीन खेतों से घास को काटकर एक लाइन में जमा करती चली जाती है। मिनी राउंड बेलर। दोस्तों, कम बजट में आने वाली ये मशीन खेतों की कटी हुई घास को उठाने का काम करती है। इस मशीन को चारे के ऊपर से चलाया जाता है, जिससे इस मशीन के आगे की तरफ लगा रोटेटिंग सिस्टम जमीन पर पड़े चारे को लगातार अंदर की तरफ खींचता जाता है, जिसके बाद ऑटोमेटिक ही उस घास का रोल तैयार हो जाता है और फिर मशीन के पिछले हिस्से से इस रोल को बाहर धकेल दिया जाता है। कॉर्न हार्वेस्टर। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से भुट्टा निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हाथों से एक एक भुट्टा तोड़ने में कितनी ज्यादा मेहनत और समय लगता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसी काम को ये एडवांस मशीन हंसते हंसते कर देती है। ये मशीन खेतों में खड़ी भुट्टे की फसलों को अपने अंदर खींचकर वेस्ट मटेरियल को पीछे फेंकती जाती है और भुट्टे के दानों को अलग अलग करके साइड में चलने वाले कंटेनर में भरती जाती है। ट्री कटिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों को काटने के लिए किया जाता है, जिसके लिए ये मशीन सबसे पहले पेड़ों को अपने आर्म्स में बिल्कुल मजबूती से पकड़ लेती है। इसके बाद मशीन के नीचे लगा कटर पेड़ को बड़ी आसानी से काट देता है और फिर ये मशीन इस कटे हुए पेड़ को आड़ा करके इस पर लगी सारी अनवांटेड टहनियों को काटती चली जाती है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि सारी टहनियों को क्लीन करने के साथ साथ ये मशीन पेड़ को एक बराबर टुकड़ों में काटने का काम भी बड़ी तेजी के साथ करती है। फीड श्रेडर। दोस्तों, खेतों में फसलों की कटाई के बाद बची बेकार फसल से मवेशियों का चारा बनाया जाता है और इसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए इस मशीन के एक हिस्से में कटी हुई फसल को डाला जाता है और फिर मशीन के तेज धारदार कटर फसल के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मैनुअल मशीन में भेजते जाते हैं, जहां पर चारों को कंप्रेस करके बोरी में भरकर पैक कर दिया जाता है। मिनी राइस हार्वेस्टर। दोस्तों, ये एक बड़ी एडवांस मशीन है जिसने हमारे किसान भाइयों का काम काफी आसान कर दिया है, क्योंकि हाथों से चावल की कटाई करना किसान भाइयों के लिए एक मुश्किल भरा काम है, लेकिन इस मशीन की मदद से चावल की कटाई करने में समय और मेहनत दोनों की बचत हो जाती है। ये मशीन खेत से चावल की फसलों को बड़ी तेजी से काटती चली जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि फसल को काटने के बाद ये मशीन उसका भूसा साइड में फेंकते जाती है और बिल्कुल साफ चावल को ये मशीन पीछे लगे कट्टे में जमा करती जाती है। ट्रेंचर मशीन। दोस्तों, हाथों से नालियां बनाने में हमारे किसान भाइयों की हालत खराब हो जाती है,
लेकिन ये एडवांस इलेक्ट्रिक मशीन हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में नालियां बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन जमीन की मिट्टी को खोद कर एक बराबर साइज का गड्ढा करती जाती है और मशीन के साइड में लगा बेयरिंग खुदाई की मिट्टी को एक किनारे जमा करते जाता है। ये मशीन नालियां बनाने का काम बहुत ही तेजी के साथ करती है। मल्चिंग मशीन। दोस्तों, मल्चर मशीन का इस्तेमाल खेती के लिए तैयार की गई मिट्टी को एक प्लास्टिक मटेरियल से कवर करने के लिए किया जाता है। ऐसा करने से उगने वाली फसल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है और इस तरह की मल्चर मशीन प्लास्टिक में होल भी करती है और होल करने के साथ साथ होल में बीज भी डालती है। स्टोन क्रशर। ये मशीन किसी भी पथरीली जमीन को एक प्लेन जमीन में बदल सकती है। ये मशीन जमीन पर पड़े अनवांटेड पत्थरों को बड़ी आसानी से मिट्टी में बदल देती है। इस मशीन में लगा क्रश सिस्टम छोटे बड़े पत्थरों को तोड़ता है और मशीन में लगा रोलर पत्थरों के टुकड़ों को मिट्टी में सपाट बिछाते जाता है। फॉरेज हार्वेस्टर। दोस्तों, ये बहुत ही एडवांस मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से मवेशियों का चारा निकालने के लिए किया जाता है। इस मशीन के आगे राउंड कटर्स लगे होते हैं जिनकी मदद से मशीन चारे को काटती जाती है। ये मशीन सिर्फ चारे को काटती नहीं बल्कि चारे को काटकर उसे प्रोसेस करके मशीन के साथ में चलने वाले ट्रक में भरते जाती है। वेजिटेबल हार्वेस्टर। दोस्तों, खेतों से पत्तों वाली सब्जियों को तोड़ना बड़ा ही मुश्किल भरा काम होता है क्योंकि उसके लिए उन सब्जियों के पत्तों को एक एक करके चुन चुन कर तोड़ना होता है, लेकिन इसी आफत भरे काम को ये एडवांस मशीन हंसते हंसते कर जाती है। ये मशीन अपने रोलिंग सिस्टम की मदद से सब्जियों को तोड़कर अपने अंदर ले लेती है और फिर कन्वेयर की मदद से इन सब्जियों को स्टोरेज टैंक तक पहुंचा दिया जाता है। राइस प्लांटिंग मशीन। दोस्तों, खेती के सभी कामों में चावल की खेती करना एक ऐसा काम होता है जिसमें हमारे किसान भाइयों की सबसे ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि इसमें किसानों को एक एक करके धान के छोटे छोटे पौधों को दलदल वाली मिट्टी में लगाना होता है, लेकिन इसी काम को ये मशीन बड़ी आसानी से चुटकियों में कर देती है। जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन में चावल के पौधों के बंडलों को रखना होता है, जिसके बाद ये मशीन चावल के पौधों को खेतों में एक एक करके 6 लाइन में लगाती जाती है। टेराटेक। दोस्तों, इस छोटी सी मशीन का इस्तेमाल पालक की खेती के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले पालक के छोटे छोटे पौधों को एक साथ जोड़कर बेलनुमा बनाकर इस मशीन में फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद जैसे इस मशीन को चलाया जाता है तो ये पालक की बेल मिट्टी में बिछती चली जाती है। जैसे जैसे इस मशीन को चलाया जाता है वैसे वैसे ये पौधे बेल की तरह एक लाइन में बिछते चले जाते हैं। स्प्रेइंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल पौधों पर कीड़े मकोड़े खत्म करने वाले स्प्रे का छिड़काव करने के लिए किया जाता है। इस मशीन के स्प्रे के नोजल एक कवर से ढके होते हैं जिसकी वजह से कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाई इधर उधर नहीं उड़ती और बिल्कुल बराबर मात्रा में इन पौधों के ऊपर छिड़काव हो जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, ये वीडियो हमने कड़ी मेहनत से बनाई है, इसलिए सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।